पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारत विकास पार्टी सेकुलर द्वारा ठाकुर अशोक सिंह को मुरादाबाद जिले का लोकसभा प्रभारी बनाए जाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। सोमवार को मानसरोवर स्थित कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने फूल माला डालकर अशोक सिंह का स्वागत सम्मान किया, तो वहीं ठाकुर अशोक सिंह ने भी कार्यकर्ताओं का फूल माला डालकर सम्मान किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि पार्टी के हित में कार्य करेंगे। इस दौरान भारी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुझे भारत विकास पार्टी सेकुलर का लोकसभा प्रभारी मुरादाबाद का दायित्व तो दिया गया है। मैंने ये पार्टी इसलिए ज्वाइन करी है क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार के ऊपर ज़्यादा जो है काम किया जा रहा है, क्योंकि मोदी जी और योगी जी ने बहुत काम किए परंतु भ्रष्टाचार को मुक्त नहीं कर पाए, भ्रष्टाचार और बढ़ गया है। हमारी जो पार्टी है वो भ्रष्टाचार को से निजात दिलाने के लिए काम करेगी। जो कार्यालयों में बाबू बगैर पैसे लिए फाइल आगे नहीं बढ़ाते हैं और अब इस सरकार में वो इस चीज़ का फायदा उठा रहे हैं। भ्रष्टाचार 15% से 25% हो गया है, मतलब जहाँ कमीशनखोरी 15% थी वहाँ 25% हो गई है। इससे निजात दिलाने के लिए और सरकार को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और आम जनता को निर्माण कार्यों में फ़ायदा हो, इन सबको सोच के इस पार्टी को हमने ज्वाइन किया है। तो आगे की क्या रणनीति रहेंगे? आगे की रणनीति है कि अगर ये जो दायित्व हमें दिया गया है लोकसभा प्रभारी मुरादाबाद का, उसमें हम पूरे उससे जोश से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। क्या समाज से क्या मैसेज देना चाहेंगे? समाज को यह हमारी तरफ से मैसेज है, जो लोकसभा के दायित्व के अलावा हम गरीब बेसहार जो लोग हैं उनको और जो निर्दोष लोगों को फंसाया जाता है झूठे मुकदमों में, उनकी सहायता करेंगे, ऐसे लोगों को न्याय मिले, हमारी प्राथमिकता रहेगी।